आज स्वास्थ्य से जुड़े इस कार्यक्रम में मैं गुजरात की एक बड़ी यात्रा के बारे में बात करना चाहता हूं। ये यात्रा है तरह तरह की बीमारियों से स्वस्थ होने की। अब आप सोचेंगे अस्पताल में कार्यक्रम है, मोदी तरह तरह की बीमारियां क्या कह रहा है। मैं बताता हूं मैं कौन कौन सी तरह तरह की बीमारियां, मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन मुझे ठीक करनी पड़ती थी। 20-25 साल पहले गुजरात की व्यवस्थाओं को बहुत सारी बीमारियों ने जकड़ा हुआ था। एक बीमारी थी स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछड़ापन, दूसरी बीमारी थी शिक्षा में कुव्यवस्था, तीसरी बीमारी थी बिजली का अभाव, चौथी बीमारी थी पानी की किल्लत, पांचवी बीमारी थी हर तरफ फैला हुआ कुशासन, छठी बीमारी थी खराब कानून और व्यवस्था। और इन सारी बीमारियों की जड़ में सबसे बड़ी बीमारी थी वोट बैंक का पॉलिटिक्स, वोट बैंक की राजनीति। जो बड़े बुजुर्ग यहां मौजूद है, गुजरात की जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उनको ये सारी बातें अच्छी तरह याद है। यही हालत थे 20-25 साल पहले के गुजरात के। अच्छी शिक्षा के लिए युवाओं को बाहर जाना पड़ता था, अच्छे इलाज के लिए लोगों को भटकना पड़ता था, लोगों को बिजली के लिए इंतजार करना पड़ता था। भ्रष्टाचार और खस्ता हाल कानून व्यवस्था से तो हर दिन जूझना पड़ता था। लेकिन आज गुजरात उन सारी बीमारियों को पीछे छोड़कर आज सबसे आगे चल रहा है। और इसलिए जैसे नागरिकों को बीमारी से मुक्त करना, वैसे राज्य को भी अनेकों बीमारियों से मुक्त करने का ये मुक्त यज्ञ हम चला रहे हैं और हम मुक्त करने का हर कोशिश प्रयास करते रहते हैं। आज जब बात होती है हाईटेक हॉस्पिटल की तो गुजरात का नाम सबसे ऊपर रहता है। जब मैं यहां मुख्यमंत्री था मैं सिविल अस्पताल भी कई बार आता था और मैं देख रहा था मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके बहुत बड़ी मात्रा में उपचार के लिए सिविल अस्पताल आना पसंद करते थे। साथियों, अगर शिक्षा संस्थानों की बात, एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटी बात हो तो आज गुजरात का कोई मुकाबला नहीं है। गुजरात में पानी की स्थिति, बिजली की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति अब सब सुधर चुका है। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाली सरकार लगातार गुजरात की सेवा के लिए काम कर रहे हैं।